अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। हमारे घर में रमजानों की प्रिपरेशन चल रही है, तो सोचा क्यों ना आपके साथ में रेसिपी शेयर की जाए। आज मैं बना रही हूँ मीठी टिक्कियाँ। ये जो है मैं रमजानों के लिए बनाकर स्टोर कर रही हूँ। आप भी जो है इस रेसिपी को ट्राई करें, टिक्कियाँ बनाकर स्टोर करें, क्योंकि ये टिक्कियाँ जो है रमजान में काफ़ी काम आती हैं। जब हम इसे जो है इफ्तारी में सर्व कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं ये। और वैसे भी हम जो है हमारे घर में जो गेस्ट आते हैं उनके सामने भी इनको सर्व कर सकते हैं। तो जो एक टिक्की है इसके बहुत सारे यूजेस हैं, मल्टीपर्पस यूजेस हैं। तो चलें देखते हैं हम इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पे मैंने जो है 3 कप गेहूं का आटा लिया है, 8 टी स्पून जो है मैंने ऑयल लिया है, 4 टी स्पून जो है अपना रबर लिया है मैंने, 1 टीस्पून जो है हरी इलायची का पाउडर लिया है, और यहाँ पे मैंने जो है 1 कप भर के कोकोनट जो है वो ग्रेटेड यूज किया है, और यहाँ पे मैंने जो है 1.5 कप शुगर ली है। हमारी शुगर जो है वो पाउडर शुगर नहीं है, नॉर्मली शुगर है जो मॉल्स में मार्केट में आराम से अवेलेबल होती है। और आटा गूंदने के लिए जो हम पानी तैयार करेंगे, शुगर का सिरप होगा वो हमने जो है कुल मिला के पूरा 1 कप पानी लिया है। गैस की फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है। हमें बिल्कुल इस पानी की जो है चाशनी तैयार नहीं करनी कोई तार की, नॉर्मल हमें जो है अपनी जितनी शक्कर है उसको हम अपने पानी में जो है ऐड कर देंगे। हमें जो है इसकी चाशनी नहीं तैयार करनी, हमें सिर्फ अपनी जो शक्कर है, हमारी जो शुगर है, इसको हमें इस पॉइंट तक पकाना है जब तक ये पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हो जाए। याद रखें अपने जो गैस का फ्लेम है उसको बिल्कुल सिम पे रखें, अदरवाइज आपकी जो शुगर है वो नीचे लगने लगेगी। जब तक हमारी शुगर का सिरप जो है वो तैयार हो रहा है, हम इसमें अपने जितने भी इंग्रेडिएंट है वो एक एक करके इसके अंदर शामिल कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट का यूज भी कर सकते हैं, जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो। यहाँ पर मैंने सिर्फ जो है कोकोनट का यूज किया है। शुगर की क्वांटिटी जो है मैंने यहाँ पर 3 कप आटे के अंदर जो है 1.5 कप लिए, और आप जो है शुगर की क्वांटिटी आप जितना मीठा खाते हो आप उस हिसाब से शुगर जो है वो ऐड कर सकते हैं। देखिए 3-4 मिनट बाद जो है हमारी शक्कर कुछ इस तरीके से कंसिस्टेंसी हो गई है, ये डिजोल्व हो गई है, छोटे छोटे से इसके पार्टिकल्स रह गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर वो आ भी गए अगर अपन इसको इस पॉइंट पे भी अगर ऐड कर देंगे अपने आटे में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप चाहें तो इसे पूरी तरीके से डिसॉल्व भी कर सकते हैं, बस एक बात का ध्यान रखें कि इसको थोड़ा सा ठंडा कर लें, उसके बाद इससे आटा गूंदें आप। सॉरी, मैं आपको इंग्रेडिएंट की लिस्ट में तिल्ली जो है वो बताना भूल गई थी, इसलिए मैं इसको जो है अभी ऐड कर रही हूँ। मैंने जो है तिल्ली अपनी जो है 4 टीस्पून ली है, कि अब मैं जो है अपना सिरप जो है वो इसके अंदर अपने आटे में जो है ऐड कर रही हूँ। हम जिस तरीके से गेहूं का आटा गूंदते हैं बस हमें उस तरीके से जो है इस आटे को गूंदना है। इस बात का ध्यान रखें कि आप सिरप जो है वो ठंडा कर लें, नहीं तो आपके हाथ भी जल सकते। देखिए हमारा आटा जो है वो तैयार हो गया। इसको हमें एकदम मुलायम नहीं करना है, थोड़ा सा हमें इसे कर ही रखना है, क्योंकि हम इसमें रूखे जो आटे का है उसका यूज नहीं करते हैं, खुश्क आटे का इसको बेलने में। इस वजह से हमें जो अपना डो है इस तरीके से थोड़ा सा हार्ड रखना है, एकदम सॉफ्ट नहीं करना है। इस बात का आप लोग खास ध्यान रखिए। देखिए मैंने कुछ इतना बड़ा पेड़ा लिया है आटे का, जिसकी मैं जो है एक रोटी बेलूंगी, फिर उसमें से जो है पूड़ी कट करूंगी। यहाँ पर मैंने जो है 1/2 kg ऑयल जो है वो गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है। देखिए मैंने इसको जो है इस तरीके से तैयार किया है। ये जो है इतना मोटा है, आपको भी इतना मोटा ही रखना है। इसको जो है मैं ग्लास की मदद से कट कर लूंगी। मैं अपनी जो पूड़ी है, देखिए इतनी इसकी कंसिस्टेंसी, हमें जो अपनी पूड़ी है हम इनको जो है एक प्लेट में रख देना है, एक एक करके पूरी पूड़ियों को। मैंने अपने आटे को जो है इस तरीके से कवर करके रखा है। आप इसको ना विदाउट कवर के नहीं रखिएगा, अदरवाइज आपका आटा जो है वो हल्का रूखापन आ जाएगा आटे में, कर्रा हो जाएगा। देखिए ये मैंने अपनी टिक्कियाँ जो है ये बेल के पूरी रख ली है। अब हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है, इसमें हम जो एक एक करके अपनी टिक्कियाँ जो है वो फ्राई करेंगे।
सॉरी, ये असली शुद्ध घी भी कह सकते हैं, देसी घी भी कह सकते हैं आप लोग, असली घी भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अक्सर मेरे साथ यही होता है वीडियो बनाते बनाते टीस्पून को टेबल स्पून और घी को ऑयल कह देती हूँ, तो आप लोग प्लीज माइंड मत लीजिएगा ये घी। तो आप लोगों को ये जो है घी में ही फ्राई करनी है, मैं भी घी में ही फ्राई कर रही हूँ। मेरा करीब हाफ लीटर के करीब जो है मैंने घी लिया था, तो हमारा गर्म हो चुका है। हमने इसमें पाइप टिक्कियाँ जो है अपनी फ्राई करने के लिए छोड़ दी हैं। चलें जब इसकी ये टिक्कियाँ हमारी जो है पूरी एक साइड से हो जाए कम्प्लीटली ब्राउन, उसके बाद ही आप इसकी साइड चेंज करें। उससे पहले बिल्कुल भी टिक्कियों को हाथ नहीं लगाएं, और जब भी ये इसका फ्लेम है वो सिम करके रखें। देखिए एक एक करके आप पूरी को इस तरीके से आहिस्ता से इसकी साइड को चेंज कर लें, बिल्कुल आहिस्ता से चेंज कीजिएगा। जब हमारी दूसरी तरफ से ब्राउन हो जाए तो इसको हम सर्व कर लेंगे कुछ 5 मिनट तक। अभी हमें इसे और होने देना है, सिम मोड के ऊपर ही हमें इसे 5 मिनट और फ्राई करना है। चलें ठीक है, 5 मिनट बाद मिलते हैं। देखिए 5 मिनट बाद जो है हमारी टिक्कियों का कलर चेंज हो गया है और ये कितनी खस्ता लग रही है और सर्विंग के लिए तैयार है। देखिए हमने हमारी मीठी टिक्कियों को जो है सर्व कर लिया है, कुछ इस तरीके से लग रही है, बिल्कुल खस्ता डिलीशियस। जितने भी इलायची के फ्लेवर, कोकोनट, तिल्ली, सबका जो फ्लेवर है खाने के बाद हमें बहुत अच्छे से इसका जायका मुँह में आ रहा है। और ये जो हमारी टिक्की है बहुत ही खस्ता करारी बनी है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए जी, अगर मेरी ये मीठी टिक्कियों की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो कुकिंग विद अर्शी को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।